वेलकम टू गीतूज डिवाइन टच चैनल। ये एक रीडिंग हो रहा है, टाइमलेस रीडिंग। आप जब भी इस रीडिंग को देखते हैं ये आपके लिए ट्रू है। आज के इस रीडिंग में हमें फाइंड आउट करना है कि आपके लव्ड वंस जिनके लिए आप वेट कर रहे हो, आपको कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पर तीन ऑप्शंस हैं हमारे पास। आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है और वो ऑप्शन आपको सबकॉन्शियसली सिलेक्ट करना है। आप सबकॉन्शियसली उसे सिलेक्ट करेंगे और वो आपको आंसर बताएगा कि क्यों आपके लव्ड वंस आपको कॉल नहीं कर रहे हैं। सो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है, आप देख सकते हैं ये क्रिस्टल है जिसके अंदर आप लाइंस देख रहे हैं। इसको कहते हैं रूटिलेटेड क्वार्ट्स। ये जो क्रिस्टल है ये थर्ड आई पे काम करता है, थर्ड आई को एक्टिवेट करता है। इससे आप क्लियर वॉइंट बनते हो, आपको इंट्यूशन अच्छे आते हैं, आपको फ्यूचर के बारे में जल्दी पता चल जाता है। सेकेंड जो हमारे पास क्रिस्टल है वो है लापिस लाजुली। ये क्रिस्टल जो है ये हमें थ्रोट चक्र पे हेल्प करता है। थ्रोट रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं आपके लाइफ में तो वहाँ से हमें प्रोटेक्शन मिलता है। और थर्ड जो क्रिस्टल है दैट इज़ इसे कहते हैं पेट्रीफाइड वुड। इसे आप आपकी कोई भी इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट के फाइल के ऊपर रखिए तो आपके जो सारे इनकम्प्लीट काम हैं, आपके शादी का भी अगर कुछ है तो आप एक पेज पर लिख करके शादी हो गई है, यू आर हैप्पीली मैरिड। आप चाहें तो नेम ऑफ पर्सन भी लिख सकते हैं, विद सो एंड सो पर्सन। आप ईयर लिख सकते हैं, दिस दिस ईयर। और उसके ऊपर आपको पेट्रीफाइड वुड रखना होता है और आपके जो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट हैं वो कंप्लीट होते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट ऑप्शन। जिन्होंने भी चूज़ किया है रूटिलेटेड क्वार्ट्स उनके लिए रीडिंग हो रहा है। सो व्हाई योर लव्ड वंस आर नॉट कॉलिंग यू। तो पहले तो मैं टैरो से ही चेक करूँगी कि मुझे कितने कार्ड्स में आंसर्स आने वाला है। सो टैरो से ही पूछेंगे कि इन हाउ मेनी कार्ड्स हमें आंसर मिलने वाला है। यहाँ पर आया है 5 कार्ड्स, तो 5 मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं कि क्यों आपके लव्ड वंस आपको कॉल नहीं कर रहे हैं, व्हाट इज़ रॉन्ग विद देम। सो यहाँ पर आया है फर्स्ट वन कि वो जो है उनका जो पूरा फोकस है आपके पार्टनर का वो है पैसे कमाने में। उनका कुछ फिनेंशियल गोल है वो अचीव नहीं हुआ है उनका, इसीलिए वो रिलेशनशिप पर इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और मे बी उनके सिबलिंग्स हैं, उनके लिए वो कुछ करना चाहते हैं और इसीलिए वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इन केस आपके पार्टनर कि थोड़ा सा उनका जो बिहेवियर है वो एक इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। दो एक फिनेंशियल गोल है उनका, लेकिन उनको दोनों साइड बैलेंस करना चाहिए। यहाँ पर कार्ड दिखाता है कि टू मच फोकस ऑन मनी है, तो अभी वो रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं वो क्या मिस कर रहे हैं, बट फ्यूचर में वो ज़रूर पछताएंगे कि उन्हें इमोशनल लाइफ भी साइमल्टेनियसली बैलेंस करना चाहिए था। सेकेंड जो मैसेज आया है वो ये है कि आपके पार्टनर बहुत इनसिक्योर हैं। उन्हें बहुत ही इनसिक्योरिटी है अपने काम के लिए। उन्हें लगता है कि वो कोई परमानेंट पोस्ट पे नहीं है और कभी भी उनकी जॉब जा सकती है, कभी भी बिजनेस बंद हो सकता है। और वो इनसिक्योरिटी एक्चुअली अननेसेसरी है, वो ओवर प्रैक्टिकल हो रहे हैं। और थर्ड जो कार्ड आया है उनकी इच्छा तो बहुत है कि वो आपसे बात करें, लेकिन वो अपने इमोशनल साइड को इग्नोर कर रहे हैं कम्प्लीटली। उनकी विश बहुत है कि वो आपसे कांटेक्ट करें, आपको कॉल करें, लेकिन उनका जो फोकस है वो अपने फिनेंशियल सिक्योरिटी के ऊपर है। फोर्थ जो मैसेज है कि कहाँ तो वो खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। उन्हें इच्छा बहुत है आपसे बात करने की, लेकिन उनका जो माइंड है वो ओवरपावर कर रहा है उनके हार्ट को, तो इसीलिए वो अपने मन की नहीं सुन रहे हैं, वो अपने दिमाग की सुन रहे हैं और ब्रेन की सुन रहे हैं। तो इसीलिए भी एक नेगेटिविटी है उनके लाइफ में। और कहाँ ना कहाँ ये जो इनको एक ये जो एजुकेशन मिला है या जो संस्कार मिले हैं, मे बी उनके लाइफ में उनकी माता डिवोर्सी रही हैं या उनकी माता सिंगल पेरेंट रही हैं या फिर उनकी बहन या उनके रिलेटिव्स, कहाँ तो उन्होंने ये इनसिक्योरिटी देखा है और इसीलिए वो रिलेशनशिप को कम फोकस कर रहे हैं और इमोशनल लाइफ को ध्यान नहीं दे रहे हैं। और एक गुड न्यूज़ है कि 1 मंथ के अंदर वो आपको कॉल करने वाले हैं। एस ऑफ कप्स है कि वो कहीं ना कहीं अपने दिल की आवाज़ सुनने वाले हैं और 1 मंथ के अंदर वो आपको कॉल करने वाले हैं। आपको क्या करना है, आपको एक रूटिलेटेड क्वार्ट्स का क्रिस्टल अपने पास रखना है जिससे आपका 3rd आई एक्टिवेट होगा, जिससे आपको इंट्यूशन बहुत अच्छे आएंगे, आप एक साइकिक बनेंगे, आप एक क्लियर वॉन्ट बनेंगे, आपको आपका फ्यूचर क्लियरली दिखाई देगा कि क्या हो रहा है। और आपको डेली सुबह जल्दी उठना है, सूर्य देवता को जल चढ़ाना है, उनको जल देना है। अगर हो सके तो 12 सूर्य के जो मंत्र रहते हैं वो आपको चैंट करने हैं। गायत्री मंत्र आपको कंटिन्यूस चैंट करना है। बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, पिताजी की सेवा करनी है। पिताजी के साइड से जो भी पैटर्नल ट्रेड के जेंट्स हैं, मेल्स हैं, उनको आपको रिस्पेक्ट करना है। ऑफिस में आपके बॉस की रिस्पेक्ट करनी है, उनके लिए नेगेटिव नहीं बोलना है। और आपको जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी लोगों से आपका काम पड़ता है उनको भी आपको बहुत रिस्पेक्ट करनी है। और एक अपने सूर्य को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने आईटी रिटर्न्स आपको टाइम पर पे करने हैं। हम नेक्स्ट रीडिंग शुरू करते हैं। जिन्होंने सिलेक्ट किया है लापिस लाजुली, उनके लिए आता है मैसेज। मैं फर्स्ट टैरो कार्ड से ही देखूंगी क्यों आपके लव्ड वंस आपको कॉल नहीं कर रहे हैं। आप उनके लिए वेट कर रहे हैं, वो आपको आश्वासन दे रहे हैं कि वो आपको कॉल करेंगे। सो टैरो से फर्स्ट हम पूछेंगे कि कितने कार्ड्स में हमें आंसर आने वाला है। यहाँ पर कार्ड आता है 3 कार्ड्स। सो आपको 3 कार्ड्स में ही आंसर मिलेगा। 3 मैसेजेस मिलेंगे आपको कि क्यों आपके लव्ड वंस आपको कॉल नहीं कर रहे हैं, प्लस आपको रेमेडी करनी है। यहाँ पर मैसेज आया है द एम्परर। पिताजी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है आपके जो पार्टनर हैं, और पिताजी उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, पिताजी की फैमिली उन्हें कंट्रोल कर रही है। और एट प्रेजेंट वो बहुत ही लॉजिकल सोच रहे हैं। हो सकता है कि पिताजी की तबीयत भी खराब हो, वहाँ उनका फोकस ज़्यादा है, घर की तरफ फोकस ज़्यादा है। प्लस ये कार्ड प्रॉपर्टी भी दिखाता है, तो मे भी घर लेना उनका फर्स्ट प्रायोरिटी है। वो चाहते हैं कि पहले घर ले लें, स्टेबल हो जाएं और फिर रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। तो काफ़ी मैच्योर्ड है आपके पार्टनर, और वो जो भी कर रहे हैं वो आपके और उनके अच्छे के लिए कर रहे हैं। इसको पॉजिटिवली लेना है। और रिलेशनशिप के लिए उनके भी मन में बहुत सारा एंजाइटी है, वो भी बहुत वरिड हैं, लेकिन वो पहले अपना बेस बनाना चाहते हैं और फिर रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं। एक अच्छा न्यूज़ ये है कि एंजाइटी जो है वो कंप्लीशन के वर्थ पे है, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। ये पॉजिटिव कार्ड है। और बहुत जल्दी विदिन 3 मंथ्स यहाँ दिखाता है कि उन्होंने प्लानिंग की है कि वो आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, आपके साथ लाइफ सेलिब्रेट करने वाले हैं। और कहीं अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं तो अपने किसी फ्रेंड के साथ वो आपको विजिट करने वाले हैं, और एक फ्रेंड्स का गेट टुगेदर होने वाला है। और 3 मंथ्स के अंदर आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे मिलने वाले हैं, आपको कांटेक्ट करने वाले हैं। आपको क्या करना है, आपको एक लापिस लाजुली का एक छोटा सा स्टोन अपने वॉलेट में, पर्स में, बैग में रखना है। और अपने कम्युनिकेशन के ऊपर आपको ध्यान देना है। आपको नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं कहने हैं, अपने पॉजिटिव सेंटेंसेस ही बोलने हैं कि माई पार्टनर विल कॉल मी, ही और शी लव्स मी। आपको पॉजिटिव ही बोलना है कि इट्स वर्किंग। आपको बिल्कुल नहीं बोलना है कि गेम इज़ ओवर, रिलेशनशिप इज़ ओवर। ऐसे वर्ड्स आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं। नेक्स्ट जिन्होंने पेट्रीफाइड वुड सिलेक्ट किया है उनके लिए ये रीडिंग हो रहा है। और उनके लिए रीडिंग हो रहा है कि कब आपके पार्टनर आपको कॉल करने वाले हैं और उनके माइंड में क्या चल रहा है। आप वेट कर रहे हो उनके लिए, और वाई ही और शी इज़ नॉट कॉलिंग यू। सो फर्स्ट मैं टैरो से ही पूछ रही हूँ कि कितने मैसेजेस लेने हैं। सो टैरो का यहाँ पे आंसर है 4। आपको 4 मैसेजेस मिलेंगे। और एक अच्छा न्यूज़ भी है यहाँ पर कि आपकी जो लव लाइफ है, आपका जो मैरिटल हैप्पीनेस है, वो ट्रांसफॉर्म होने वाला है। कुछ पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आने वाली है। सो यहाँ पर द फर्स्ट कार्ड आया है द सन, मीनिंग आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ही मैच्योर्ड हैं, अच्छा सोच रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं, और जितना आप उनके कॉल के लिए वेट कर रहे हो, उनसे कनेक्ट करने के लिए वेट कर रहे हो, आपके पार्टनर भी उतना ही आपसे कनेक्ट करने के लिए वेट कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी उतना ही आपको मिस कर रहे हैं। और यहाँ पर कार्ड आया है कि ही इज़ अ वेरी लॉयल पर्सन, ये बहुत लॉयल पर्सन है। ये एरीज हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, सेजी हो सकते हैं, अगर मेष राशि के हैं, सिंह राशि के हैं या धनु राशि के हैं, देन यू आर वेरी लकी कि आपके पार्टनर आपके लिए उतने ही पैशनेट हैं जितना आप, और आपके पार्टनर भी आपको उतना ही मिस कर रहे हैं, और वो सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे हैं। और सेकंड जो आता है कि थोड़ा सा उनका जो फोकस है वो अपने करियर की तरफ है, और वो बहुत ही ट्राई कर रहे हैं कि जल्द से जल्द थोड़ा सा अपने डेली रूटीन से बाहर निकलें और आपको कांटेक्ट करें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ट्रैवल का कार्ड आया है कि जल्द ही आपके पार्टनर ट्रैवल करके विदिन 3 मंथ्स आपके पास आने वाले हैं और आपसे मिलने वाले हैं। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ डेली पढ़ना है, पीपल के पेड़ को पानी देना है, कंटिन्यूस 45 डेज आप पानी दीजिए पीपल के पेड़ को, और आप ये विश बोलिए कि आई वॉन्ट माई पार्टनर टू कनेक्ट मी, आई वॉन्ट टू मीट माई पार्टनर, ये विश बोलिए और ये विश आपके ट्रू होने वाले हैं। ये रीडिंग कितना मैच हुआ आपके सिचुएशन के साथ आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।